नमस्कार दोस्तों, श्रमिक भाई और बहनों, BRMGSS न्यूज़ के साथ ऑल साइड सेंटर पर आप लोगों को स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज इस वीडियो में आप लोगों को डाटा सबमिट कंप्लीट के बारे में जानकारी मिलेंगे और एक महत्वपूर्ण इन्फॉर्म भी मिलेंगे। दोस्तों, BRMGSS भारतीय रेलवे मालग्राम श्रमिक संघ, इस संगठन की जन्मदाता माननीय अरुण कुमार पासवान, नेशनल इंसर्ट्स मनोरंजन कुमार पासवान आदि के नेतृत्व में आज भारतीय रेलवे मालगोदाम श्रमिक वालों ने BRMGSS यानी भारतीय रेलवे के कर्मी की परिषद दे सका। वैसे ही अदर तप पदाधिकारियों के अवदान भी अतुलनीय है। संभावनापूर्ण सब काम संभव है। दोस्तों, न्याय के साथ न्याय हक अधिकार के लिए संघर्ष करना पड़ता है और संघर्ष करना न्याय के साथ सही है। आज़ादी आज से 7 साल पहले 60 ईयर्स पहले हुआ था, लेकिन आज़ादी नहीं मिल रहे थे BRMGSS के कर्मियों को। लेकिन आप दोस्तों, मंजिल दूर नहीं है, आज़ादी की मंजिल बहुत करीब आ चुका है, इतने करीब कि आप लोग सच भी नहीं सकते हैं। एनीवे, रिपोर्ट के अनुसार NFR जन के डाटा सबमिशन काम कंप्लीट हुआ है और साथ एक गुरुत्वपूर्ण महत्वपूर्ण बैठक भी हो चुका है, जहां पर मनोरंजन कुमार जी ने जॉइनिंग को लेकर बड़ा भाषण बयान रखा है। भाषण में बोला कि इस महीने जनवरी जो महीने चल रहे हैं, इस महीने 15 से 20 तारीख के अंदर रेलवे मिनिस्ट्री के साथ बैठक करके इस काम को चलता हुआ पेंडिंग काम को अंजाम देने की बड़ा बयान रखा है। दोस्तों, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात बयान रखा है मनोरंजन कुमार सर जी ने। और रेलवे बोर्ड के साथ BRMGSS के लिंक डाटा जो लिंक होने वाला है, वो डाटा लिंक करने की भी वादा किया है। इस महीने से लिंक करना शुरू हो जाएगा और अपने कैंडिडेट जो BRMGSS के ओल्ड कैंडिडेट है, यानी जिन जिन कैंडिडेट का डाटा सबमिट हो चुका है, उन लोगों की मोबाइल पर सक्सेस की मैसेज भी आना शुरू हो जाएगा। दोस्तों, आप लोग खुद सुनिए मनोरंजन सर ने क्या बताया था, भाषण पर क्या बताया, खुद सुन लीजिए। लिंक होगा और 15 से 20 जनवरी के बीच में हमारा और रेल मंत्री जी के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक, जिसके लेके लंबे समय से चल रहा था, मैं 15 से 20 जनवरी में रेल मंत्री जी के साथ बैठक करके ये काम को अंजाम तक पहुंचाने के लिए काम करना शुरू करूंगा। आपके पास बहुत सारे लीडर जो है पूरे देश के अलग अलग जगहों पर हमने सब लोग को बुलाकर बैठक किया है। सभी लोग उम्मीद से बढ़ के काम कर रहे हैं। हमारे साथ एक बड़ी चुनौती आने वाली है कि अब रेलवे माल गोदाम का जितना भी काम होगा, वो सब अब आपके भारतीय रेलवे माल गोदाम श्रमिक संघ के आप सभी के जिम्मेवारी कंधों पर आए। अगर भारतीय रेल हमारे मजदूरों को वेतन मांग तमाम सुविधाएं निर्गत करने के लिए बेहतर पॉलिसी बनाकर उसको लागू करने जा रही है, तो हमारा भी कर्तव्य बनता है कि चाहे 12 बजे रात में माल गाड़ी आए, 2 बजे रात में आए, ठंड में आए, चिलचिला के धूप में आए, हम सभी लोग उसको शिफ्ट वाइज कंप्लीट करके उसको जल्द से जल्द टाइम पीरियड के भीतर ही उसको खाली करने का काम करेंगे और भारतीय रेल को और ज्यादा रेवेन्यू और उन्नति बढ़ाने का काम हम लोग करेंगे। मैंने आपके भरोसे पर, आप सभी लोगों के विश्वास पर, मैंने अपने चेयरमैन महोदय को भरोसा दे के आया हूँ कि महोदय, आप इस काम जो पॉलिसी बनाने जा रहे हैं, मैं आपको पूरे संगठन की तरफ से विश्वास दिलाना चाहता हूँ, आपको वचन देना चाहता हूँ कि इस पॉलिसी के साथ जब आप आगे बढ़िएगा, 3 महीना तक ये काम चलेगा, 3 महीना के अंदर मैं कम से कम 20% और आपको रेवेन्यू जनरेट करने का।
तो हम सभी लोगों को जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस इतना लंबा था।